इस वीडियो में हम आपको ड्रीम अलेवन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं। ड्रीम अलेवन आप सभी लोग जानते हैं, जो इस समय आईपीएल मैच चल रहा है उसमें सभी लोग टीम लगाकर बहुत सारे पैसा अर्न कर रहे हैं, करोड़ों रुपए इससे कमा रहे हैं। इसमें गाइस ये होता है कि लोग प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं और उसमें जो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसी के अनुसार उनका रैंक बढ़ता है, रैंक उनको मिलता है। और अगर उनका फर्स्ट रैंक होगा मिल जाता है तो उनको 2 करोड़ या 1 करोड़ जो भी प्राइज होता है वो आसानी से उनको मिल जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में यार हम आपको बताने वाले हैं कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रीम इलेवन लगाने के बाद उनको एक प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम ये होती है कि भाई वो अपने ड्रीम इलेवन ऐप में 2 टीम बना लेते हैं और एक ही टीम पे पैसा लगाते हैं। लेकिन उनको कन्फ्यूज ये होता है कि 2 टीम में से कौन सा टीम पर पैसा लगा है। जैसे मान लो गाइस बहुत सारे लोग 2 टीम बना लिए हैं, फर्स्ट टीम और सेकंड टीम। फर्स्ट टीम में कप्तान किसी और को रख दिया और सेकंड टीम में कप्तान किसी और को रख दिया, तो उनको कैसे ये पता चले कि हमारा जो 49 रुपया लगा हुआ है वो फर्स्ट वाले टीम पर लगा है या फिर सेकंड वाले टीम पे लगा है। जैसे मान लो उनका 49 वाला सेकंड वाले टीम पे लग गया है और वो चाहते हैं कि ये पैसा हमारे फर्स्ट वाले टीम पे लग जाए, तो वो चीज़ आप कैसे कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सिखाने वाले हैं कि आप आसानी से कुछ ही मिनटों में अपना पैसा जो भी टीम पे सेलेक्ट करना चाहते हो आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। तो क्या सबसे पहले हम अपना ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो चलते हैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। और जैसे हम ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज हमें देखने को मिल जाएगा। चलते हैं फर्स्ट पे आते हैं होम पेज पर, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करना है। और गाइस यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि हमने 2 पैसा एक ही कटाया है, 49 रुपये केवल लगाया है, लेकिन हमने टीम 2 बना लिया है। तो चलते हैं, ये मैच अभी 1 घंटा 18 मिनट के बाद चालू होगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो गाइस आप यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर जहाँ पर टीम लिखा हुआ है माई टीम, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो गाइस देखिएगा हमारा 2 टीम बना हुआ है। एक फर्स्ट वाले टीम में फिलेडू प्लेसिस कप्तान है और सेकंड वाले टीम में ग्लेन मैक्सवेल कप्तान है। तो गाइस हमने 2 टीम यहां पे बना लिया है, आप देख पाएंगे ये है फर्स्ट टीम और ये है सेकंड टीम। लेकिन अगर हम चेक करें कि हमने पैसा कितना लगाया है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमने कितना पैसा लगाया है। तो माई कंटेस्ट पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो गाइस आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे हमने 49 रुपया लगाया है और यहाँ टीम भी बता रहा है फर्स्ट वाले टीम पर हमने 49 रुपया लगाया है। लेकिन अब गाइस बात आती है कि हमने टीम तो 2 टीम बनाया है, फर्स्ट और सेकंड, और ये पैसा हमारा 49 रुपया जो है ये फर्स्ट वाले टीम पर लगा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये 49 रुपया जो हमने इसमें लगाया है ये 49 रुपया हमारे सेकंड वाले टीम पर लग जाए। जैसे गाइस हमारा ये सेकंड टीम ये वाली है, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी सेकंड टीम है जिसमें मैक्सवेल कप्तान है। तो हम चाहते हैं कि सेकंड वाले टीम पर हमारा 49 रुपया लग जाए। तो चलते हैं कैसे लगाते हैं, ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है जिनकी वजह से उनका पैसा डूब जाता है, क्योंकि उनका टीम फर्स्ट या सेकंड किसी एक टीम में अच्छा प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन पैसा उस पर नहीं लगता है, किसी दूसरे टीम पे लग जाता है और उनका जमा चला जाता है। तो आसानी से आप भी ये चीज़ कर पाओगे कि अगर आपका पैसा किसी दूसरे टीम में लगा है और आप किसी दूसरे टीम में पैसा को ऐड करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर कंटेस्ट जो है यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है लेदर बोल्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलते इस पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे हमारा नाम लिखा हुआ है और नाम के जस्ट आगे 2 एरो का निशान आपको दिखेगा यहाँ पर, यहाँ पर 2 एरो का निशान आपको दिखेगा, ये यहाँ पर गाइस 2 एरो का निशान आपको दिख जाएगा यहाँ पर, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलते हैं इस पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे हम एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो गाइस अब हमें ये पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा कि आप किस टीम में पैसा को सिलेक्ट करना चाहते हो, टीम 1 पर
टीम वन पर करना चाहते हो या फिर टीम टू पर। तो जैसे गाइस मान लो हमें पैसा हमारा वन पे सेलेक्ट है और हम चाहते हैं कि टीम टू पर हमारा पैसा ये ऐड हो जाए, क्योंकि हमने सेकंड वाली टीम अच्छा प्लेयर उसमें सेलेक्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि टीम टू पर हमारा जो पैसा है वो ऐड हो जाए। तो चलते हैं हम यहाँ पर टिक कर देंगे, ये जो खाना बना हुआ है यहाँ पर इस पर हम टिक कर देंगे। तो इस पर हम टिक कर देंगे और जैसे टिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर नीचे आप देखेंगे लिखा है स्विच टीम, तो इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है स्विच टीम पर। तो चलते हैं इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये टीम सेट हो चुका है। अब गाइस हम यहाँ पर देखेंगे, अब गाइस हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो अभी 49 रुपये फर्स्ट वाले टीम में लगा था वो सेकंड वाले टीम में लगा या फिर नहीं लगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और बैक आएंगे होम पेज पर, और होम पेज पर आने के बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है माई कंटेस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है माई कंटेस्ट यहाँ पर, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर देखिए सेकंड वाले टीम पर हमारा पैसा लग गया है, जो ये 49 रुपया है गाइस यहाँ पर, ये जो 49 रुपया है ये हमारे सेकंड वाले टीम पर, यहाँ पर, यहाँ पर आप देखिए सेकंड वाले टीम पर यहाँ पर लग चुका है। तो इसी तरीक़ा से आप भी आसानी से अपने किसी भी टीम में पहले से पैसा आपने ऐड कर दिया है और आप चाहते हैं अपनी दूसरी टीम में उसी पैसा को ऐड कर दें, तो आप आसानी से इसी तरीक़ा से कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।